और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भांजी ने सरेंडर की अर्जी दी है। अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। पुलिस माफिया अतीक अहमद की बहन उसकी दो भांजियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। आयशा नूरी पर शूटर्स को संरक्षण देने और मदद करने का आरोप लगा है। तो 13 अप्रैल को अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल अतीक की बहन आयशा नूरी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बात करके ये डर जता रही थी कि उनके भाइयों का एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब ये बात सामने आई कि आयशा ने शूटर्स को शरण दी थी, उनकी मदद की थी। प्रयागराज के अल्लाहपुर में बाहुबली विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया। क्या है पूरा मामला देखिए। यूपी में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रयागराज में बाहुबली विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची प्राधिकरण की टीम ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया। प्रयागराज के अल्लाहपुर में विजय मिश्रा के विजय टावर नाम के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर एक बार फिर से पीडीए का बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पोकलैन मशीन और एक बुलडोजर जो है वो लगातार जो बिल्डिंग जो पहले गिराई गई थी 5 मार्च 2021 को उसको दोबारा उस पर बुलडोजर चल रहा है और मकसद जो है वो मौके से जो मलबा है उसको हटाने का है, क्योंकि इस बिल्डिंग के चलते आस पड़ोस की बिल्डिंगों को नुकसान हो रहा था और इसी के चलते दोबारा ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए प्राधिकरण की जमीन पर बनाया गया था। बताया जा रहा है कि आवासीय भूखंड पर निर्माण किया गया था। जिस तरह से 5 मार्च 2021 को इस विजय टावर को जमींदोज किया गया था, क्योंकि इसका नक्शा पास नहीं था और 2 मंजिले का नक्शा पास कराकर इस पे 4 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और उसके बाद 5 मार्च 2021 को पीडीए ने उस इमारत को जमींदोज किया था। हालांकि उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था तो अब इस हिस्से को मौके से हटाया जा रहा है ताकि जो पड़ोस के मकान हैं उनको जो नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके। तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये मकान पहले ही तोड़ा जा चुका है, कुछ नया डिमोलिशन नहीं होना है, लेकिन जो बिल्डिंग का टूटा हिस्सा है उसको तोड़ करके यहाँ मौके से हटाया जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज।